हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं JBM अर्थात जय भारती मारुति लिमिटेड कंपनी में आई हुई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, मैं JBM की वेबसाइट पे आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की इसकी वेबसाइट है और यहाँ पे टोटल ITI छात्रों के लिए 500 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम कम्प्लीट बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, कौन कौन से ट्रेड वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं तथा एज लिमिट क्या रहने वाली है और सैलरी क्या होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है और आप ये देख लीजिए, ये नोटिस अमर उजाला पेपर में 21 मार्च को निकाला गया है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रोजगार मेले के थ्रू किया जा रहा है और यहाँ पे आप देख लीजिए ITI में रोजगार मेला 23 को अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 23 मार्च को रोजगार मेला लगेगा। इसमें जय भारती मारुति लिमिटेड अहमदाबाद कंपनी अभ्यर्थी का चयन करेगी। प्रधानाचार्य RN त्रिपाठी ने बताया कि रोजगार मेला सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। कंपनी 500 पदों के लिए चयन भर्ती करेगी। तो जी हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल जो वैकेंसी भरी जाने वाली है वो 500 पदों के लिए भरी जाने वाली, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भरी जाने वाली है। और नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है कि चयनित अभ्यर्थी को 16,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। जी हाँ, 16,000 रुपये प्रतिमाह, मतलब स्टार्टिंग सैलरी आपकी 16,000 होने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है, क्योंकि आपने नॉर्मल कंपनियों में देखा होगा कि जो रिक्रूटमेंट ITI वाले बंदों का करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सैलरी 8,000 9,000 10,000 ही होती है। तो ये कंपनी आपको सीधे 16,000 रुपये सैलरी दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज माना जा रहा है। नीचे आप देखिए, अभ्यर्थी फिटर मैकेनिकल मोटर व्हीकल मैकेनिकल डीजल इंजन इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मशीनिस्ट ग्राइंडर टर्नर ऑटोमोबाइल मैकेनिक RAC आदि व्यवसाय में ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे जी हाँ, अपना ट्रेड आप यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कौन कौन से ट्रेड के लिए वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नीचे अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पर आप देख लीजिए आयु सीमा 18 से 32 साल होने वाली है। जी हाँ, 18 से 32 साल। आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मल जो कंपनियां होती हैं वो 18 से 26 साल 18 से 28 साल तक ही बच्चों को लेती हैं और यहाँ पे 18 से 32 साल वालों को भी मौका दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा मौका है। और नीचे आप यहाँ पे देख लीजिए, उन्होंने बताया कि वेब लिंक पर QR कोड के माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा प्लेसमेंट सेल के कार्यदेशक SP निगम से मोबाइल नंबर 94153468 54 और 96530516 पर भी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है कार्यदेशक SP निगम जी का, तो इस पर आपको कोई अगर जानकारी लेनी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, पर ज़्यादा कॉल मत आप करिएगा। यहाँ पे कुछ डिटेल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वैकेंसी JBM ग्रुप ऑफ रिक्रूटमेंट 2022 अर्थात कंपनी का नेम यहाँ पे क्या है, जय भारती मारुति लिमिटेड अहमदाबाद। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो ITI फिटर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक मोटर व्हीकल मैकेनिक डीजल इंजन मैकेनिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मशीनिस्ट ग्राइंडर टर्नर ऑटोमोबाइल मैकेनिक RAC आदि से अगर आप ITI हैं तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 32 साल होनी चाहिए। इंटरव्यू डेट की अगर बात करें तो 23/3/2022 को इंटरव्यू है। अगला अगर हम बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, 10th प्लस ITI सर्टिफिकेट। और यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, तो उसके लिए आपको 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लेके जाना है, प्लस अपनी CV भी आपको लेके जाना है। वेन्यू की अगर बात करें तो ये वेन्यू कहाँ है, गवर्नमेंट ITI अलीगंज UP लखनऊ UP में ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है। कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दिया गया है, यदि आप चाहें तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ITI कर रखा है इन ट्रेडों से, तो वो कैंडिडेट इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि काफ़ी अच्छी सैलरी होने वाली है इसमें और ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है और इस कंपनी में करियर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। इस कंपनी में इतना अच्छा सैलरी और करियर है कि आपको सरकारी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड टाइम में वैकेंसीज़ काफ़ी कम आ रही हैं और ये वैकेंसी 500 पदों पर ले आई हुई है, तो माना जाए तो ITI वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका और बहुत ही सुनहरा मौका है। तो इस सुनहरे मौके का आप लोग लाभ उठाएं। अब
अभी तक आपने वीडियो मेरा लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।